तो जोकर इज तो और क्या चल रहा मुझे पता है कुछ चले ना चले लेकिन मेरी बकलोली जरूर चलेगी ये yes, जितने भी लोगों के स्टोरी टाइम होते हैं वो तीन चार साल पुराने होते हैं लेकिन दिस र, 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 रीसेंट वन इज वन मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो एडजस्ट कर लेना तो शुरू होती है साइकिल से यस yes. यू मुझे साइकिल सीख हुए दो महीने भी नहीं हुए तो ये साइकिल मेरे लिए मोर देन एनफी उस दिन मैं अपने दोस्तों के पास साइकिल लेकर गया जाकर थोड़े बहुत राउंड मारे जो कि अभी नहीं मार सकता क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है के बाद मेरा दोस्त आया बिलीव मी मुझे पता नहीं था कि वो इतना ज्यादा दूर लेके जाने वाला उसने कहा था भाई चल खानपुर ठीक है चल वैसे तो मैं अपने पापा के साथ इतनी दूर तक जाया करता था लेकिन अकेला पहली बार जा रहा हूँ और अकेला मतलब सिंगल नहीं अपने दोस्तों के साथ तो फिर क्या मैं निकल पड़ा जर्नी पे मैं बता दू मैं मोस्ट ऑफ द टाइम तीन से चार बजे के बीच में ही निकलता हूँ शुरुआत में मुझे ठीक लगा कि भाई हाँ गलियों के अंदर से जा रहे है बट डेन आ गया मेन रोड मुझे थोड़ा सा अजीब लगा और खतरनाक भी बट मैं फिर भी चला गया छोटा ऐसा ही रास्ता होगा मुझे लगा बट देन रोड खत्म नहीं हो रहा था और मैं टायर्ड होना भी शुरू हो गया था तो मैंने रास्ते के बीच में साइकिल रोका मैंने पूछा रास्ता जानो तो नामे सर हिलाया आई मीन वॉट द फिश मैं उसके पीछे गया उसको रास्ता पता होगा सोच के लेकिन की उसी को रास्ता पता नहीं था अच्छा वो उसका भी एक दोस्त था थर्ड मेंबर तब मेरी जान में बस जान उसको लकीली रास्ता पता था फिर मैंने कंटिन्यू कर दिया वो जर्नी के बाद मैंने देखा भैंस की मैं तो केला के सामने आया हूँ केला मतलब राजा महाराजा के टाइम के स्ट्रक्चर को बोला जाता है। और उनको फोर्स भी कहा जाता है और बांग्ला में उसको दुर्ग और केला भी कहा जाता है। मानो वो मेरे घर से काफी ज्यादा दूर था उस वक्त सही में मेरी फट गई। बिकॉज मैं पहली बार इतनी दूर आया था ऊपर से उसको रास्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था बस उसकी एक बात मेरे दिल में हौसला बनाए रखा था बेरोजगार इसलिए मैं उसके साथ चलता रहा भाई मैं इतना थक गया था उस रास्ते में भाई पूछो मत ऊपर से इन रिक्शा वाले और ट्रक ड्राइवर्स की तो भाई बात ही मत पूछो भैंस की सारे के सारे बार बार मेरे रास्ते में आ रहे थे मुझे डर लग रहा था कहीं इन लोगों की वजह से मैं खो कौन जाऊं। ऊपर से उस भूतने के पास थी गियर वाली साइकिल वो इतना स्पीड से जा रहा था मैं जैसे तैसे करके उसका पीछा कर रहा था उसके बाद आया सबसे ज्यादा टफ पॉइंट मैं एक रेलवे लाइन के पास पहुंच गया वो रेल लाइन देखने में कुछ ऐसा था ऑब्वियसली रेलवे लाइन उतना स्मूथ नहीं होता साइकिल चलाने लायक मुझे साइकिल को खिसका खिसका के पांच तक ले जाना पड़ा आप लोगों के लिए पाँच मीटर कुछ ज्यादा नहीं होगा लेकिन जैसा की मैं पहले से ठगा हुआ था मेरे लिए 500 मीटर 5 किलोमीटर जैसा था ऊपर से वो रेल लाइन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ था तो मेरा पैर बार बार उस रेल लाइन में फंस रहा था वैसे मैं नॉर्मली जींस पहन के साइकिल चलाने जाता हूँ लेकिन इस बार मैंने जीन्स भी नहीं पहनी थी बिकॉज मुझे लगा मैं जल्दी आ जाऊंगा बट मुझे क्या पता आज ही वो दिन है जिस दिन मैं पहली बार दो किलोमीटर साइकिल पे चलूंगा इसलिए मैं और ज्यादा अलर्ट था बिकॉज पहले से मुझे हाथ पे और पैर पे चोट थी फिर भी मैं साइकिल चलाने के लिए निकल गया रास्ते में मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तीन चार लोगों को थोक दिया था एंगर मैंने सही टाइम पे ब्रेक लगा रहा था वरना थोक चुका था ऑलमोस्ट क्रॉस करने के बाद हम क्लीन रास्ते पे आ गए तब मुझे थोड़ी सी शांति मिली रास्ते में आगे बढ़ते बढ़ते अंधेरा भी होने लगा था फाइनली छोटी छोटी गलियों से होकर हम फाइनली अपने घर के पास पहुंच गए मैं पूरे रास्ते में थका हुआ आया हूँ और मुझे घर के पास जाके मेरी थकान मिट गई और वो साला पूरे रास्ते में जिसको थकान नहीं हुई वो घर के पास आके थक गया वाह घर के पास आते ही उसने कहा ठंडा पानी खेल जा ना भाई अनेक बेसी देरी होता है जाए yes, मैं जल्दी से अपने घर पहुंच गया बिकॉज मुझे मेरे मम्मी पापा की फिक्र हो रही थी आ, <laughs> छत में यार मुझे मेरी मम्मी पापा की फिक्र हो है बिकॉज वो बीमार रहते हैं एंड फाइनली मैं God, मैं घर पहुंच गया थैंक गॉड तीन चार घंटे साइकिल चला के आता था मैं अपने एरिया का तीन चार राउंड में आता उसमें दो डेढ़ घंटे निकल जाता इसलिए घर पे किसी को शक भी नहीं हुआ और मैं बताने की हिम्मत भी नहीं थी मुझ में क्योंकि ये वीडियो बनाते बनाते मैंने अपनी मम्मी को बता ही दिया बिकॉज मेरी मम्मी को तुम लोगों से पहले पता होना चाहिए चलो गाइस आज की वीडियो यही ही कमेंट करके बताओ कैसा लगा और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए ईद मुबारक और लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना भाई तुम्हारे भाई को सपोर्ट मिलेगा